press the bell icon on the YouTube app and never miss a... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर और सशक्त महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया राय खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नमस्कार नाज़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। अंजू जी थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। नाज़िया जी ये बताइए कि अब तो जाकिर नाइक के वो जो भड़काऊ जहरीले ट्वीट होते हैं वो भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब तो उसका एक्स पर जो अकाउंट है उसको ही बैन करवा दिया है भारत सरकार ने। 1 अक्टूबर 2024 उसने जब पाकिस्तान के एक एबीएन चैनल को पॉडकास्ट में ये कहा था, सुबह 10:20 में, जैसे ही उसने कहा था कि भारत में अभी भी 3 मिलियन फॉलोअर उसको फॉलो करते हैं, 3 मिलियन उसको पाकिस्तान से फॉलोअर फॉलो करते हैं और 7.8 मिलियन लोग बांग्लादेश से उसको फॉलो करते हैं। उसने जैसे ही ये डेटा दिया था, अगर हमारे गृह मंत्रालय का कोई ऑफिसर अगर सामने आकर अपनी बात को रखेगा तो वो ये जरूर कहेगा कि सबसे पहला मेल नाज़िया इलाही खान का गया था उस वीडियो, उस पॉडकास्ट के लिंक के साथ, कि भारत के लिए इसकी बातें खतरे से खाली नहीं है और जिस तरीके की आतंकी बातें ये करता आया है और करता रह रहा है, और जबकि खुद पाकिस्तान के पॉडकास्ट में अपनी वाहवाही लपेटने के लिए और अपनी तारीफें बटोरने के लिए उसने खुद का भांडा खुद जब फोड़ दिया है कि 3 मिलियन लोग उसको फॉलो कर रहे हैं भारत से, तो समझ जाइए कि कितना डरावना माहौल भारत में पनप रहा है और बनने की ये अंदेशे में आ चुका है। सो बराए मेहरबानी गृह मंत्रालय से नाज़िया इलाही खान हाथ पैर जोड़ करके रिक्वेस्ट करती है कि इमीडिएट उसके सोशल अकाउंट को भारत में बैन किया जाए। ये मेरा मेल था 10:42 में। और अब देखिए 3 दिन के बाद ही उसके खिलाफ एक्शन हो गया है। तो और आज सुबह में जब पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी के साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, सुबह के 7:38 में हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ था और उसने शायद 10:30 आज ये वीडियो ऑन एयर किया था। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर किसी को अपने अपने भारत के सिटीजन होने की जिम्मेदारी आनी चाहिए और आंखें कान जुबान और दिमाग खुला रखने की अब जरूरत बिल्कुल आन पड़ी है, क्योंकि कौन से तरीके से और किस स्ट्रैटेजी से आपको फंसाया जाए या भारत को विनाश करने की कोशिश की जाए ये कोई नहीं जानता है। और सुबह में 7:30 जब मैं बैठ करके यूट्यूबर शोएब चौधरी पाकिस्तान के यूट्यूबर के साथ में कह रही थी, तो मैंने उसको अल्टीमेटम दिया था, सब जा करके उसको देख सकते हैं, मैंने अल्टीमेटम दिया था कि मेरा ये मैसेज पाकिस्तान के वजीर आजम को आपके चैनल के माध्यम से शोएब में पहुंचवा रही हूं कि अब जाकिर नायक को 3 मिलियन फॉलोअर नहीं फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। और मात्र 4.5 घंटे के बाद मुझे पता चला कि भैया उसको बैन कर दिया गया है, उसके ट्विटर अकाउंट को और उसका एनजीओ का जो वेबसाइट चलता था, जो सारे यूट्यूब चैनल पर पॉपअप में आता था कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इसको देखिए, वो भी बैन करवाया गया है। अब आती है बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो भारत के सभी भारत प्रेमी लोगों को बहुत सुननी चाहिए। गृह मंत्रालय से अब एक आग्रह मैं कल और करूंगी कि आपने बैन कर दिया, बहुत अच्छी बात है भैया, ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि जहर जो है वो अब और लोग पिएंगे नहीं यहाँ पर और फिर वो निकालेंगे नहीं किसी तरीके से। लेकिन वो 3 मिलियन फॉलोअर अगर 3 साल से
या 6 साल से या 10 साल से या 20 साल से या 6 महीने से या 2 महीने से अगर जाकिर नायक को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में जो आतंक आना था वो तो आ चुका है, वो तो आ चुका है। याद कीजिए अब लारैब हाशमी को, लारैब हाशमी ने जब एक बस कंडक्टर का गला रेता था लबैक लबैक बोलते हुए, और जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था और उसका स्टेटमेंट लिया था, तो उसने क्या स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान के एक प्रीचर को वो सुन रहा था और उसी की वजह से वो बहक करके उस बस कंडक्टर का गला रेत दिया। तो क्या सरतन से जुदा का खून का नंगा नाच अभी और होना बाकी है हमारे देश में? हमने कन्हैया देख लिया और ऐसे कई कई हादसे देख लिए, और मैंने तो प्रैक्टिकली मेरे ऊपर देखा हुआ है अभी 11 सितंबर को, प्रैक्टिकली वो तो मेरी किस्मत थी, भगवान राम की कृपा थी, मैं हनुमान जी की भक्त हूँ जो मैं बच गई और माँ बाप की दुआ थी, अदरवाइज मैं तो कट जाती। अब बात आती है कि उस 3 मिलियन फॉलोअर को हमारा गृह मंत्रालय किस तरीके से ट्रेस करेगा, किस तरीके से निकालेगा, और निकाल करके कानूनी कार्रवाई कैसे स्टार्ट करेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा काम है, लेकिन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जैसे ही ये पर्दाफाश हुआ है कि भाई हमने गृह मंत्रालय ने और NIA ने क्या किया है कि ट्विटर अकाउंट उसका भारत में बैन कर दिया है, अब जो जो उसके स्लीपर सेल होंगे, जो जो उसके मेंबर होंगे, जो जो उसके लिए काम कर रहे होंगे भारत में, जो जो उसके खुफिया टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के लोग होंगे, वो अभी क्या होगा, 1 साल के लिए सतर्क हो जाएंगे, 1 साल के लिए बहुत नॉर्मल बिहेव करेंगे। अगर उनके मन में भी होगा अच्छा अंजू काफिर है, इसका तो गला रेतना है हमको, तो वो अभी 1 साल के लिए रुक जाएगा कि अंजू का गला हम 1 साल के बाद रेतेंगे। अच्छा नाजिया सनातन के पक्ष में बात करती है, नाजिया का गला हम 1 साल के बाद रेतेंगे, लेकिन क्या गला रेत देने के बाद ही सारी कार्रवाई होगी? इट्स बेटर कि गृह मंत्रालय को चाहिए कि वो 3 मिलियन फॉलोअर को ढूंढ ढूंढ करके निकाला जाए, और निकाल करके उनका पूरा बायोडाटा निकाला जाए, उनके पूरे इन्वेस्टिगेशन पूरे परिवार और खानदान के किए जाए। क्योंकि अभी हालिया में हमने देखा कि बांग्लादेश की एक मुसलमान लड़की यहाँ पर पॉर्न मूवी बना रही थी और एक्टर बनकर करके आराम से रह रही थी। फिर हमने महाराष्ट्र में देखा कि एक मुसलमान लड़के ने लव जिहाद कर दिया और हिंदू लड़की के मुंह में हिजाब पहना करके बैठा दिया, और बाद में पता चला कि भाई वो तो कन्वर्शन भी हुआ है, लव जिहाद हुआ है। उसके बाद फिर हमें पता चला कि एक पूरा परिवार जो है वो पाकिस्तान से आकर के हिंदू नाम रख करके यहाँ पर मजे में पासपोर्ट भी बना चुका है। तो हमारे देश में जो खतरा मंडरा रहा है, हमारे देश में बांग्लादेश से जमाते इस्लामी और पाकिस्तान जो बुरा करने की साजिश ऑलरेडी 60% सेट कर चुका है भारत के कुछ मुसलमानों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के, उसको ढूंढ करके निकालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अब 1293 बॉम्ब ब्लास्ट हम देखने के बिल्कुल भी हित में नहीं, दोबारा फिर नरसंहार और जेनोसाइड देखने के बिल्कुल भी हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, या दोबारा पार्लियामेंट अटैक जैसी घटना, या दोबारा शाहीन बाग जैसी घटना, या दोबारा बुरहान वानी जैसी घटना देखने के लिए हम तो बिल्कुल रेडी नहीं है भाई, हमको नहीं देखना है। नाजिया जी, आपने जो ये 3 मिलियन उसके फॉलोअर्स है ना, इनका जिक्र करके खतरे को लेकर आगाह कर दिया है लोगों को। क्योंकि याद कीजिए ढाका में जब बम धमाका हुआ था जिसमें कुछ लोग मारे गए थे, और जिस शख्स ने उसको अंजाम दिया था, जिस आतंकवादी ने, उसने भी तो यही कहा था कि वो जाकिर नाइक को फॉलो करता है, जाकिर नाइक की कई भी बातें सुनता है। तो ये जो 3 मिलियन इस वक्त भारत में है जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो अपने आप में आतंकी तो है, कहीं छिपे बैठे, हमको किसी को पता ही नहीं कौन है वो, कल को क्या कर दे उसकी प्रीचर्स प्रीचिंग सुन सुनकर कौन जानता है। तो उनका पता लगाना, आप सही कह रही है, बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि वही ABN पाकिस्तान के पॉडकास्ट में न्यूज चैनल पर उसने एक और बहुत, पता नहीं भारत के न्यूज चैनल्स ने या भारत के जितने भी लोग हैं जो भारत भूमि से बहुत मोहब्बत करते हैं या सनातन धर्म से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने क्यों नहीं इसको इस पर आवाज उठाई है। उसी ABN पाकिस्तान के न्यूज चैनल पॉडकास्ट पर उसने कहा कि अब जा करके बांग्लादेश जो है वो सही शरिया को चला रहा है, उसने साफ लफ्जों में कहा है,
और ये भी कहा है कि जो हमारा इस्लाम और शरिया कहता है उस हिसाब से मोहम्मद यूनुस जो अभी वक्तिया और टेम्परेरी वजीर आजम बने हैं बांग्लादेश के, वो सही इस्लाम समझाने और चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने इस्लाम जमात इस्लामी को और टेररिज्म को समर्थन किया भगोड़ा जाकिर नायक ने, और कहा कि यही तो इस्लाम है, यही तो इस्लाम है। उसने हिंदुओं की मौत को समर्थन किया, उसने मंदिरों के तोड़ने पर खुशी जाहिर की, उसने हिंदुओं की बहु बेटियों के बलात्कार पर खुशी जाहिर की है, और मैं वो लिंक आपको जरूर दूंगी, आप देखिएगा और भी लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा जो कट्टर सनातनी है, जो मातृभूमि से प्यार करते हैं, जो हिंदू धर्म से प्यार करते हैं, जो बहन बेटियों को अपना मान सम्मान समझते हैं, वो जरूर आवाज उठाएंगे वो न्यूज देखने के बाद। और मैं फिर से बता दे रही हूँ कि पाकिस्तान के एबीएन न्यूज चैनल के 1 अक्टूबर के 10 बजे वाले पॉडकास्ट को देखा जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो जहर घोलना स्टार्ट किया था 1 अक्टूबर से, उसको फिर भी 4 दिन मिल गया जहर घोलने के लिए, उसको 1 अक्टूबर को ही बैन कर देना चाहिए था, लेकिन 4 दिन फिर भी उसको मिला। और देखिए अभी तो हमारा दुर्भाग्य है, और खास करके आपका नहीं, खास करके मेरा, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, मेरे लिए दुर्भाग्य है कि मेरे मौलवी मुल्ला इमाम जो है वो हसन नसरुल्ला को हिजबुल्ला टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते करते हिटलर को भी सपोर्ट करने लगे हैं, और बजावते कह रहे हैं कि हिटलर ने जो किया था वो सही किया था, जो बाद में लोगों को पता चलेगा कि यहूदी कितने खतरनाक है। अब आप समझ लीजिए कि भारत में बैठ करके हमारे टीवी चैनल की खिड़कियों पर ये मुल्ला मौलवी मस्जिद को छोड़ करके स्टूडियो में क्यों बैठता है, क्योंकि इस्लामिक प्रेयरिंग और प्रेचर का काम तो इबादत करना होता है ना, तो वो ये न्यूज चैनल्स पर मस्जिद छोड़ करके, अपनी इमामत को छोड़ करके, अपने इस्लामी इस्लाम के सारे पाबंदियों को छोड़ करके, हालांकि इस्लाम में फोटो खिंचवाना भी हराम है, पर ये मौलवी मुल्ला बियॉन्ड दी अल कुरान जा करके, बियॉन्ड दी इस्लाम जा करके जहर घोलने के लिए सबको इनकार कर करके टीवी चैनल पर बैठे रहते हैं, अपनी फर्ज नमाज भी छोड़ करके 10-10 घंटे बैठे रहते हैं ताकि जहर घोल सके, यहूदियों के खिलाफ घोल सके, हिंदुओं के खिलाफ घोल सके, सिखों के खिलाफ घोल सके, सबको काफिर पुकार सके, सबको मारने काटने पर अपनी अपनी टिप्पणी और राय रख सके। अब आप सोचिए कि कितना डरावना माहौल है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाज़िर अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।